विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, वो तो शराब पियेंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। सुरेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के शंखनाद के बीच बहराइच दंगे की गूंज सुनाई दे रही है। सोमवार को करहल सीट पर तेज प्रताप यादव का पर्चा दाखिल करवाने पहुंचे अखिलेश यादव ने बहराइच दंगों को लेकर बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए थे। अब बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का जवाब आया है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया है, ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल पूरा बवाल और सियासी गलियारों में सवाल इस बात को लेकर है कि भाजपा के विधायक की भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR करा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस सवाल पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह क्या जवाब दे रहे हैं, ये सुनिए। हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे, और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया, और मैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, चार लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह घटना वाले दिन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब राम गोपाल मिश्रा का शव रख कर लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान क्या क्या हुआ। क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका एनकाउंटर होगा, तब हम शव को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां शव रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, वो तो शराब पियेंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गाँव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और खिलाफ माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था, और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, DIG, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं। दरअसल बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। घटना के 9 दिन बाद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा 7 लोगों के खिलाफ लिखवाए गए मुकदमे के बाद राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक की तरफ से लिखवाए गए मुकदमे में एक बीजेपी नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ
जानलेवा हमला एवं बलवा करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि इस समय उपचुनाव होने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव जानबूझकर इस मामले को खींचना चाहते हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस बात की साथ में अपील भी कर रहे हैं कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, एक दूसरे का त्योहार लोग आपस में मिलकर मनाएं, उनकी पहली प्राथमिकता यही है। प्राथमिकता है कि जनपद जैसे पहले चल रहा था, दीपावली है, धनतेरस है, छठ है या मुस्लिम के जो भी त्योहार हो, जिस गंगा जमनी संस्कृति से पहले जनपद चल रहा था, पहले वो पटरी पर आवे। हमारे ऊपर क्या हुआ उसकी जांच कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, ये द्वितीय प्राथमिकता है।